हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए कैसे अप्लाई करें। गाइस काफ़ी लोग हैं जो टीचर की जॉब लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगूं और मेरी भी अर्निंग क्या शुरू हो जाए। तो गाइस इस वीडियो में आप बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से कि भाई आप प्राइवेट स्कूल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई करने के कुछ माध्यम है, उनको आप समझिए। देखिए पहला माध्यम आपके पास होता है न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा कि भाई इस स्कूल में वैकेंसी आई है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका न्यूज़पेपर है, जो जिस न्यूज़पेपर को आप लेते हैं उस न्यूज़पेपर का आप क्लासिफाइड चेक किया करिए, और इसके अलावा जो आप न्यूज़पेपर उसको पूरा पढ़ा करिए डेली, तो आपके पास काफ़ी ऐसी जॉब की वैकेंसीज आ जाएंगी स्कूल की तरफ से जहाँ से आप क्या स्कूल में काम आसानी कर सकते हैं। आप टीचिंग कर सकते हैं, यदि आपको ऑफिस स्टाफ की तरह काम करना है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो आपको गाइस ये समझना होगा कि पेपर में जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें वैकेंसी निकलती रहती हैं, और गाइस कई बार तो ऐसा होता है कि आप घर बैठे भी अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि गाइस कई बार न्यूज़पेपर में दे दी जाती है कि भाई इस ईमेल आईडी पर आप 7 डेज के अंदर अपना जो रिज्यूम है या फिर सीवी है उसको क्या फॉरवर्ड कर दें, और गाइस वहाँ से आपके पास कॉल वगैरह आ जाते हैं। और गाइस यदि जैसे मान लीजिए अब हमको क्या है जॉब चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर का हम वेट नहीं करना चाहते कि भाई न्यूज़पेपर में पता नहीं कब आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास जहाँ पर आप जॉब लगाना चाहते हैं, जिस जगह जो लगाना चाहते हैं, आप क्या करें 10 से 15 स्कूल को आइडेंटिफाई करें पहले, तो कि भाई ये 10 से 15 स्कूल हैं जो हमारे एरियाज में या फिर हम यहाँ यहाँ पढ़ाना चाहते हैं या किसी अदर एरिया में भी हैं तो हम यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। तो आप पहले उनको स्कूल को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद आप क्या करें, अगर आप 15 स्कूल में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप कम से कम 15 रिज्यूमे ले लें और वहाँ पर अपना रिज्यूमे दे के चले आएँ। तो गाइस आपको देखिए रिज्यूमे किसको देना है, तो आप देखिए क्या करें, आप रिसेप्शन पे जाएंगे स्कूल में और उनको बताएंगे कि भाई हम टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और हम टीचर की जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो रिज्यूम आपका ले लेंगे। और गाइस कई बार क्या होता है कि स्कूल्स में वैकेंसी बनी रहती हैं या आने वाले समय में खाली हो जाती हैं या कभी कोई टीचर छोड़ के चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि टीचर के लिए लोग क्या है आपको बुला लेते हैं, तो स्कूल की तरफ से आपके पास कॉल आ जाए कि भाई हमको इस टीचर की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे यहाँ आकर इंटरव्यू क्या दे सकते हैं। और गाइस मान लीजिए अगर इस साल नहीं बुलाया जाता है तो गाइस हो सकता है 6 महीने बाद बुलाया जाए, हो सकता है 2 महीने बुलाया जाए, हो सकता है 1 साल बाद बुलाया जाए, तो गाइस रिज्यूम क्या उनके पास पड़े रहते हैं और रिज्यूम के बेसिस पर वो क्या सिलेक्शन वगैरह दे देते हैं। और गाइस ये भी चीज़ आपको समझना है कि जब आप 10 से 15 स्कूल में अप्लाई करोगे तो गाइस उनमें क्या है कम से कम 1-2 कॉलेज से तो आप मान के चलिए कॉल आपके पास आ जाएगी। यदि गाइस आपके पास कॉल नहीं आती है तो आप क्या करें 10 से 15 स्कूल के बाद क्या करें 20 से 25 स्कूल में अप्लाई करें, और गाइस सीवी वैसे आप दे के आइए गाइस, और वहाँ से कॉल आप मान के चलिए कि आ जाएगी आपके पास। और गाइस इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डाल सकते हैं, ओलेक्स पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं अपना ऐड कि भाई मुझे एक टीचर की जॉब की जरूरत है। तो गाइस काफ़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं जो आपको स्कूल में वगैरह क्या लगवा देती हैं, तो आप इसके अलावा क्या कंसल्टेंसी सर्विस से संपर्क कर सकते हैं कि भाई आपको स्कूल में जॉब करना है टीचर की और आप ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो गाइस कंसल्टेंसी सर्विसेज से भी आप जॉब वगैरह क्या लगवा सकते हैं। तो गाइस आप कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। और गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस एसोडियस पाने के लिए प्लीज़ हमसे को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल दवाएं, क्योंकि हम आपके लिए एसोडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।